नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C25Y versus Xiaomi Redmi 9 Active का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C25Y में 6.48 इंच जबकि Redmi 9 Active में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme C25Y में 2.99 इंच जबकि Redmi 9 Active में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme C25Y में 0.36 इंच जबकि Redmi 9 Active में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C25Y में 200 ग्राम्स जबकि Redmi 9 Active में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C25Y में 6.5 इंचेस जबकि Redmi 9 Active में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C25Y में 81.59% जबकि Redmi 9 Active में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C25Y में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 9 Active में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C25Y में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 9 Active की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C25Y में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 9 Active की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C25Y में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Redmi 9 Active में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C25Y में Mali G52 जबकि Redmi 9 Active में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C25Y में Unisoc T610 और Redmi 9 Active में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C25Y में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 9 Active में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C25Y में 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 9 Active में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme C25Y में अप टू 256 GB जबकि Redmi 9 Active में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme C25Y में Android V11 जबकि Redmi 9 Active में Android V10 की देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme C25Y में 2 कलर्स जबकि Redmi 9 Active में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C25Y में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 9 Active की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C25Y में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9 Active की तो उसमें 1 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme C25Y आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme C25Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 Grams है, दूसरा Vivo Y12s 2021 है, तीसरा Ulefone Armor 8 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo 16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।